हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ बुलबुल, आप सभी का स्वागत करती हूँ बुलबुल लाइफ स्टाइल एंड इंडियन ब्लॉगर में। तो कैसे हैं आप सब जी? ये जो वीडियो है ये मैं हाल ही में आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो रिक्वेस्ट ये आ रही थी कि अभी आपके बाल इतने ज़्यादा अच्छे हैं, घने हैं, सिल्की शाइनी हैं, तो आप इनको ओपन करके क्यों नहीं रखती हूँ। तो देखो, मैं आज आप लोगों के सामने ओपन हेयर करके आई हूँ। वैसे मैं अभी क्या है ना, गर्मियाँ चल रही हैं, तो मैं अपने ज़्यादातर बाल ओपन नहीं रखती हूँ, मैं हमेशा बन में रहती हूँ। तो मैं शादी से पहले भी मतलब ज़्यादातर ओपन बाल नहीं रखती थी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा लगती थी ना कि हमेशा से ही मैंने बन बनाया या फिर चोटी बनाई है, लेकिन ओपन मैंने कभी नहीं रखे हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट ये थी कि आप अपने बालों में क्या यूज़ करती हैं, कभी कभी हमें कोई भी टिप्स दिया करें अपने बालों में यूज़ करने के लिए, ताकि जो बहुत ही मतलब इजी भी हो, सिंपल भी हो, लो बजट भी हो और हम उसको यूज़ भी कर सकें। सो गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए ही है, तो बने रहिए वीडियो में। आप लोगों को मैं बताऊंगी कि मैं क्या यूज़ करती हूँ। हमारे स्किन और हेयर के लिए जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, या बोलते हैं ना कि एक मिरेकल इंग्रेडिएंट जो है, वो है घृतकुमारी। तो घृतकुमारी क्या होता है? एलोवेरा को ही घृतकुमारी बोलते हैं। अब बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि घृतकुमारी को एलोवेरा भी बोलते हैं। जी हाँ, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन मुझे पता चल गया है, क्योंकि पहले के जो लोग होते थे ना, वो एलोवेरा को बहुत ज़्यादा यूज़ करते थे अपने बालों के लिए, स्किन के लिए। क्योंकि आप लोगों को पता है कि एलोवेरा में कितने ज़्यादा मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, तो वो हमारे बालों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। हेयर ऑयल बना करके पहले के जो लोग होते थे ना, वो यूज़ करते थे। तो एलोवेरा का जो ऑयल होता है वो हम घर में भी बना सकते थे, लेकिन वही एक दिक्कत है कि उसको हम ज़्यादा दिन तक अपने घर में स्टोर करके नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वो ख़राब हो जाता है। तो इसी का सल्यूशन लेकर के मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ कि आप एलोवेरा जेल घर में ना बनाते हुए आप इसको यूज़ करेंगे तो भी सही रहेगा। क्योंकि ये जो ऑयल लेकर के आई हूँ मैं आप लोगों के सामने, वो एकदम फ्रेश एलोवेरा जेल से मिलकर के बना हुआ है। तो एलोवेरा जेल जो पहले लोग बनाते थे ना, वो किस तरह से बनाते थे? सिर्फ दो इंग्रेडिएंट होते थे उनके पास, एलोवेरा और साथ में नारियल का तेल। तो वो दोनों को मिला करके बनाते थे और अपने बालों में लगाते थे। बहुत फ़ायदा भी मिलता था उनको, उनके बाल पहले के लोगों के, आप लोगों ने बाल देखे होंगे कितने ज़्यादा अच्छे होते थे, एकदम घने घने से और सिल्की शाइनी से, और साथ ही में जो है वो ये सारी चीज़ें यूज़ करते रहते थे क्योंकि उनके पास टाइम था। लेकिन अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है, पेशेंस नहीं है। हमें क्या होता है कि हमें कुछ ऐसा फटाफट वाला कोई चीज़ मिले कि जल्दी जल्दी से हम लगाएं और फटाफट से हमें रिजल्ट मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता है। रिजल्ट के लिए तो आप लोगों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। भाई, इसको जो मैं बता रही हूँ आप लोगों को, न्यूड का घृतकुमारी हेयर ऑयल, इसको कम से कम आप लोगों को 3 महीने तक तो लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप लोगों को रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो ये है न्यूड का घृतकुमारी हेयर ऑयल, जो कि बना है फ्रेश एलोवेरा ऑयल से। इसमें एलोवेरा के साथ साथ में जो है काफ़ी सारे अच्छे इंग्रेडिएंट भी मिले हुए हैं, जो कि इसको बहुत ज़्यादा फायदेमंद बनाता है, साथ में पावरफुल बनाता है। इसमें है घृतकुमारी, फेनुग्रीक सीड्स, सनफ्लावर ऑयल, सेसमे ऑयल, पुश ऑयल, विटामिन ई। तो ये मैंने सारी चीज़ें आप लोगों को बताई दी हैं। ये जो ऑयल है ना, ये बालों के सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है, चाहे आपके फ्रीजी हेयर्स हो, चाहे आपके डैंड्रफ हो, चाहे आपके बाल झड़ रहे हों, आपके बालों से मॉइस्चर गायब हो गया है, ड्राई हेयर हो जाते हैं, एकदम से सूखे सूखे से हेयर्स लगते हैं, ये जो ऑयल आप लोग यूज़ करोगे ना, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट आप लोगों को देगा। ये आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाएगा, इसमें मॉइस्चर पैदा करेगा, डैंड्रफ जो होते हैं डैंड्रफ को स्कैल्प से हटा करके आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे फायदे हैं इस ऑयल को यूज़ करने से। और जब आप यूज़ करोगे ना, फिर आप लोगों को जो रिजल्ट मिलेगा, आप खुद कहोगे कि हाँ बहुत अच्छी चीज बताई अभी आपने। एक बार तो आप लोग इसको यूज करके जरूर से देखना। सो गाइस, आप इसकी पैकेजिंग देख सकते हैं, सेफ है, टॉक्सिन फ्री है, पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर ऐड नहीं है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, GMP and ISO सर्टिफाइड है। ये ऑयल स्पेशली डैमेज्ड हेयर एंड स्कैल्प के लिए है। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने अभी लगाया और आज ही आपको रिजल्ट
रिज़ल्ट मिल जाएगा। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आपको 3 मंथ तक यूज़ करना पड़ेगा और अच्छा रिज़ल्ट आप लोगों को मिलेगा। नॉर्मली हम जैसे हेयर ऑयल यूज़ करते हैं वैसे ही वीक में हमें 2 टाइम्स ऑयल को यूज़ करना है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं, बहुत ही लाइट वेट है। इसको लगाने के बाद बिल्कुल भी हैवी हैवी सा नहीं लगता है, बहुत ही मतलब सिंपली। एंड हेड मसाज आप लोगों को करनी है, 10 to 15 मिनट्स तक आपको मसाज करनी है। देन नेक्स्ट डे या फिर 2 आवर्स तक वेट करने के बाद इसको वॉश कर सकते हैं। आपके हेयर सॉफ्ट हो जाएंगे, साइनर हो जाएंगे एंड लॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके साथ साथ में आपके जो डैंड्रफ है स्कैल्प के ऊपर उसकी प्रॉब्लम भी दूर होगी। सो गाइस, मैं इस ऑयल को आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूंगी क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है और इसका परचेस लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और आप इसको जब यूज़ करेंगे ना तो आप खुद ही रिजल्ट फील कर पाएंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपने इस ऑयल को यूज़ किया है और आपको कितना अच्छा रिजल्ट मिला है। अच्छा, किस किस लोगों ने ये ऑयल को यूज़ किया हुआ है पहले वो भी मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि ये ऑयल बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो गाइज, अगर किसी ने ये ऑयल यूज़ नहीं किया है तो मैं उनसे यही बोलूँगी कि भाई एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना और रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिलेगा आप लोगों को। तो मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और कमेंट में भी पिन कर दूंगी, तो आप लोगों को इजी हो जाएगा इसको ढूंढना। तो चलिए गाइस, फिर मैं इस वीडियो का एंड यही कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय।